नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पृथ्वी पर जब से इंसानों का व्हाट्सएप बड़ा है, तब से इंसान जानवरों को पालतू बनाकर पालता आया है, और उनमें इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा पाला जाने वाला जानवर है श्वान यानी कुत्ता। कुत्ते के जितने वफादार साथी इंसान का और कोई नहीं हो सकता। कुत्ता वफादार होने के साथ आने वाले खतरे को पहले ही भाप जाता है और अपने मालिक को पूर्व में ही किसी तरह की अनहोनी के संकेत अलग अलग तरह के इशारों के जरिए देता है। अक्सर हमने लोगों को घरों में काले कुत्ते को पालते हुए देखा है। मान्यता है कि घर में काला कुत्ता पालना शुभ होता है। काले कुत्ते को पालने के पीछे भी कुछ रोचक तथ्य हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन माना जाता है, इसलिए लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी काला कुत्ता पालते हैं। ऐसे भी माना जाता है कि जहाँ काला कुत्ता होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार काला कुत्ता भगवान काल भैरव का सेवक है, और कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। यह भी मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव बाबा यमदूत को भी आसपास नहीं फटकने देते हैं। ऐसा माना जाता है कि संतान को सुख में बाधा आ रही है, तो काला या सफेद कुत्ता पालना चाहिए। यह संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है। काला कुत्ता प्रेत बाधा से मुक्ति में भी मदद करता है। कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा वफादार होता है। कुत्ता आने वाले भविष्य को भी देख सकता है। ब्रह्मांड में व्यापक नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत कुत्ते में समाहित होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष और अन्य पीड़ादायक दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति में काला कुत्ता मददगार होता है। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।